हाय नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में एंड स्टडी किंगडम में। तो आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं आर्टिकल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आर्टिकल को ऐसे नहीं कि थोड़ा सा बता दिया हो गया टॉपिक, नहीं, आर्टिकल को बड़े अच्छे से करेंगे, डीपली समझेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। हम कंसेप्ट को समझेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं, ही इज एन ऑनेस्ट। क्या ये करेक्ट है, क्या ये सही है? आप सोचिए एक बार, क्या ये सही है या गलत है? ही इज एन ऑनेस्ट, जो आपके सामने सेंटेंस है, क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? साथियों, जो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, हमें देखने में लग रहा होगा कि ये करेक्ट है, लेकिन ये गलत है। और ये चीजें आगे आपको पता चलेंगी कि गलत क्यों है। अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल गलत पढ़ा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। ही इज एन ऑनेस्ट, ये गलत है। ओके, तो आगे करेंगे इस चीजों को। तो सबसे पहले आर्टिकल होता क्या है, जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। एन आर्टिकल टेल्स दैट समथिंग इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। तो जो आर्टिकल होता है ये हमें बताता है कि कोई चीज स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई चीज है, ये पेन हो गया, मैंने बोला आई हैव अ पेन, तो ये क्या हो गया, अनस्पेसिफिक हो गया, क्योंकि ये कोई निश्चित नहीं है कौन सा पेन है। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा पेन है। एक मैं बोल रहा हूं कि मैंने चांद देखा, आई सॉ द मून, तो वहां पे हम ए एन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो हो गया हमारा स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि सुनते ही हमारे माइंड में वो चीज आ जाए, हम उसको पहचान जाए, तुरंत उसके बारे में जान जाए कि किसके बारे में बात हो रही है। और अनस्पेसिफिक का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज, उसके जैसी बहुत सारी चीजें हैं और हमें पता नहीं कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम कंसेप्ट से चीज को समझेंगे, हम आर्टिकल को ऐसे नहीं कि आर्टिकल हमने कर लिया, आर्टिकल को कंसेप्ट से समझेंगे। और जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा, सबसे पहले जरूरी होता है कि हम उसको समझ लें। और अगर हम कोई पॉइंट समझ लेते हैं तो हमें ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम रूल समझे। हम अगर कंसेप्ट समझ लेते हैं तो पॉइंट हमें पूरा क्लियर हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, एन आर्टिकल टेल्स दैट समथिंग इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। तो जो आर्टिकल होता है वो हमें क्या बताते हैं कि कोई चीज स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। इसके बाद जैसे हम एग्जांपल देख लें, द मून, ये स्पेसिफिक हो गया, अ बॉय, ये दोनों क्या हो गए, अनस्पेसिफिक हो गए, एन एप्पल, ये दोनों अनस्पेसिफिक हो गए। तो स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे हम। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कोई चीज निश्चित है, मतलब आप उसे समझ गए, आपने कोई चीज सुनी और सीधा आप उस पर पहुंच गए। ठीक है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए। और अनस्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैं बात करूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने कल एक लड़का देखा, अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा लड़का, किस लड़के के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं कि मैंने चांद देखा, तो आपके दिमाग में सीधा कहां पहुंच गया, चांद के बारे में पहुंच गया कि मैंने चांद देखा। ठीक है, तो वहां पे ए लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि, और एक बात और ध्यान रखना, जो हमारा स्पेसिफिक होता है वो मोस्टली क्या होता है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, वो संख्या में भी कम होते हैं और वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, मतलब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें। और अनस्पेसिफिक में क्या होता है कि वो संख्या में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे में से एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं आई हैव अ पेन, अब ये बताइए पेन की संख्या बहुत सारी है। अगर मैं बोलता हूं आई सा द मून, अब चांद, चांद तो एक ही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, आर्टिकल हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है स्पेसिफिक है जो, और इनडेफिनेट होता है अनस्पेसिफिक।
द हमारा डेफिनेट होता है और इनडेफिनेट कौन सा होता है, ए और एन, ये हमारा इनडेफिनेट होता है, मतलब डेफिनेट होता है निश्चित और इनडेफिनेट होता है अनिश्चित। डेफिनेट निश्चित होता है और इनडेफिनेट क्या होता है, अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे अदर हमारे आर्टिकल्स होते हैं कुछ, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घर में भी जो हमारे ऑब्जेक्ट यूज होते हैं उनको भी आर्टिकल बोल देते हैं। पीस ऑफ रूल्स, जैसे हमारा आर्टिकल होता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल हटाया था वो भी एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 35A। ठीक है, स्मॉल आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर पे जो आर्टिकल आते हैं, हम कोई लेख लिखते हैं वहां पे, तो वो क्या है, वो भी एक आर्टिकल होता है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग आर्टिकल है, और हम जो ग्रामर की बात कर रहे हैं ये अलग आर्टिकल है। ये क्या करते हैं, किसी भी चीज को स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक में बताते हैं, मतलब वो चीज डेफिनेट है निश्चित है या इनडेफिनेट है अनिश्चित है। ठीक है, तो इसके बाद ये मैंने आपको बताया है अभी कुछ चीजें कि आर्टिकल होता है क्या है, कितने टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। इसके बाद हम डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल है जो, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें बिल्कुल समझ आई होंगी, और डेफिनेट इनडेफिनेट, और सबसे पहले जरूरी होता है कि आर्टिकल के पॉइंट तक पहुंचना, उसको समझना कि आर्टिकल है क्या। और सिंपल शब्दों में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसे आर्टिकल हमारा होता है, तो आर्टिकल का मतलब होता है, जैसे हमारे आर्टिकल हो गए ए एन द, तीन हमारे आर्टिकल हो गए। ठीक है, जैसे द किसमें आएगा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द हमारा कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एन हो गए, ए एन आ सकता है, ये कौन से इनडेफिनेट आर्टिकल है, या स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक ये भी बोल सकते हैं। तो बात ये आती है कि डेफिनेट का मतलब क्या है, जो हमारा निश्चित होता है, जिसे सुनते ही हम पॉइंट टू पॉइंट पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने बोला आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, अब ये क्या है, अनिश्चित हो गया, क्योंकि आपको पता नहीं कि किस लड़के के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मैंने कल एक लड़का देखा, आप सुन रहे, आपने क्या सोचा किस लड़के के बारे में बात हो रही है, आपने वो लड़का देखा नहीं, मैंने देखा, तो आप उस लड़के के बारे में जानते नहीं, तो क्या हो गया आपके लिए, क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, निश्चित नहीं है। और अनिश्चित के लिए क्या आता है, ए एन, आई सा अ बॉय, इसके बाद ए और एन कहां पे आएंगे ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। मैंने एक लड़का देखा और लड़का होशियार था, आई सा अ बॉय, द बॉय वॉज इंटेलिजेंट, द बॉय वॉज इंटेलिजेंट। अब यहां पे बात आती है, मैंने एक लड़का देखा और लड़का कैसा था, होशियार था। फर्स्ट टाइम में हमें क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा लड़का, अनिश्चित था हमारे लिए, लेकिन सेकंड टाइम में हमने दा का यूज किया। दा का यूज क्यों किया, क्योंकि हमें वो पता चल गया किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, जो लड़का हमने कल देखा, कौन सा लड़का होशियार था, जो हमने कल देखा, तो वो क्या हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है, तो निश्चित अनिश्चित से आप इसे समझ सकते हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट, डेफिनेट द इनडेफिनेट ए एन। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। इसके बाद कुछ कंसेप्ट होंगे, उनके बारे में भी हम समझेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, और इसके बाद मैं बोलने लगू द कार रन्स फास्ट, जो कार है तेज दौड़ती है, मतलब तेज जाती है, तो वहां पे क्या हो गया, द का यूज हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें पता नहीं, क्योंकि कार तो बहुत सारी है, लेकिन जो कार तेज दौड़ती है वो किसकी है, मेरी कार है, तो सेकंड टाइम में क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट इनडेफिनेट इस तरह हम उनको समझ सकते हैं, और ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, सबसे जरूरी है कि कंसेप्ट को हमें समझना है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप क्या सीखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे करेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट, या इनके जो रूल्स हैं, इनकी पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।